So that's why it is saying that value. Do it, try it in your computer also, all of you. Do this in your computer and change the value of I multiple times. Do it. Check it in your softwares. Ma'am, I checked the previous one and answer is coming 62. 64. Can you explain me? Send me the. No, ma'am, I ran it. हाँ तो आप मेरे को पिक्चर भेजो उसकी. Send me the pic in the chat option. We will discuss that also. Have you done that? Okay, in the last question also, there is a while loop na instead of if. It is okay. There is a while loop. It is again, yes, and again it will solve. Okay, I'm discussing that question once again. Have you done that? Firstly, do this. मैम वाइल लूप है तो मैम तो उसके बाद रन थोड़ी ना होगा मैम. बेटा ये देखो ना, वाइल एक्स इज ग्रेटर देन वाई, जीरो से आपका 10 बढ़ा है ना. यस मैम. अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा से. सबसे पहले ये वाला करो. हैव यू डन दैट? यस मैम. ओके फाइन. जन आई एम स्टार्टिंग द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली. या एक मिनट. 64 से बड़ा होगा तो फिर से रन होगा. हाँ, ये देखो मैं उसको फिर से कर देती हूँ. एक्चुअली We were assuming that कि वो एक बार हमने उसके अकॉर्डिंग कर लिया. रुको 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 क्यों, क्योंकि द प्रीवियस टू वर वेरी इजी ना. अब ये देखो, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन टू y, तो जब तक x इज ग्रेटर देन टू y देन इट विल सॉल्व दैट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इटरेशन. द आंसर ऑफ दैट विल बी व्हाट? क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? 6 होगा. अकॉर्डिंग टू दैट द आंसर विल बी 4. Okay, if 6 is greater than 4, yes. Again, 6 is greater than 4, then it will go to that condition. 6 minus 4. 6 minus 4. Okay, then what is the value of x? X minus 4 there. 6 minus 4. It is 2. Aap samajh rahe ho meri baat? Is this okay? No, it is. Ha, suno. 6, it has already printed 6 there according to the print statement. 6 already printed. Again, it will execute that loop. What is the latest value then? X is 6, Y is 4, 6 is greater than 4. Then X equals to X minus 4. Then what will be the value of X now? This time it will be 2 and Y plus N equals to 4. So Y ki value kitni aa gayi aapko? 4 plus 4, 8. But X values is same, 2. So that's why after 6, it is printing 2 there. Got it. Okay, 2 times it is printing the X statement there. 2 times it is printing. 1 time it has printed, second time it is printing 2. First time it was printing 6, second time it is printing 2. 62.
ठीक है, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 6-2 हियर. बट इन माय प्रीवियस पार्ट आई वाज आस्किंग कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी और वाई की वैल्यू क्या आएगी. सो एक्स वैल्यू वाज 6 दिया फॉर इन फर्स्ट इटरेशन एंड सेकंड इटरेशन द वाई वैल्यू वाज 4 एंड इन द सेकंड इटरेशन द एक्स वैल्यू वाज 2 एंड वाई वैल्यू वाज 8 बट इट वाज डिस्प्लेइंग ओनली एक्स वैल्यू इंस्ट नॉट वाईज वैल्यू. इज इट ओके? अगर वाई की वैल्यू भी प्रिंट करवा रहा है देन व्हाट विल बी द वैल्यू 48 राइट. Got it? Got it, dear? मैम, Yes, Bhavya. इसी का जो ए पार्ट था उसमें आंसर ओके आ रहा है, मतलब लैपटॉप पे अगर उसको रन करे प्रोग्राम को तो. यस मैम, ओके. Which one is this the same? यस मैम. हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई नीड टू चेक दैट. वेट, एक्स गोज टू 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2. यस, एक्स इज ग्रेटर देन 2. 3 इज ग्रेटर देन 2 और एक्स इज लेस देन टू 5. इट मीन्स देर इज इट इज टेकिंग द प्रायोरिटी. आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट ऑल्सो विद यू कि Yeah, बट for वट that इज need to दिस, include one of them in bracket. इट विल सॉल्व. देखो बेटा ये क्या करेगा मैं आपको बताती हूँ. इट इज टेकिंग द और कंडीशन इन दैट. ये देखो दे आर थ्री एक्सप्रेशन आ दे ना, थ्री एक्सप्रेशन आ दे ना. सो इफ आई एम टेलिंग कि टू, लेट से 2 + 4 - 6, हाउ विल यू गेट इट? 2 + 4 - 6 विल यू डू प्लस सिंबल फर्स्ट और माइनस सिंबल फर्स्ट? और ओके, मल्टीप्लीकेशन इज गिवन दिया कि 2 + 4 * 6, 2 + 4 * 6, वट विल बी द आंसर भाविया? इट विल बी 36 सर. 20, 26. हाँ, अकॉर्डिंग टू द 26 हैव यू एडिड द वैल्यू फर्स्ट और मल्टीप्लीकेशन इज फर्स्ट? मल्टीप्लाइड व्हाई? बॉड मास. बॉड मास, एग्जैक्टली. सो देर इज ऑल्सो द प्रायोरिटी और प्रिसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स इन योर पाइथन. इज इज ओके? देर इज ऑल्सो द प्रायोरिटी और द प्रिसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स इन द पाइथन. ओके, इन द पाइथन प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स देर इज ऑल्सो दे आर फॉलोइंग द बोर्ड मास रूल फॉर द प्लस माइनस डिवाइड एंड प्लस सिंबल. ठीक है, जो मल्टी डिवाइड का प्रायोरिटी होता है वो नंबर वन, नंबर टू आपका डिवीजन, देन प्लस देन माइनस एंड दे आर द डिफरेंट अदर ऑपरेटर्स ऑल्सो लाइक ओर एंड एंड. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो दे आर द डिफरेंट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स. Right, so first of all, it will check that one and this part in the different mode. X is greater than 2 or X is less than 2, 5 and X is equals to 5. So this one is false. Is this okay? According to and, this one is false because X is not equals to 6. But this one is true. But this one is true. So it is taking in the first step the x is greater than 2 and is there to this it is taking the second step, okay, that x is less than to 5 and x is equals to 6. If it is giving and operator there, if it is giving the and operator there, and operator means if both condition are true but both condition are not true, so this one is false and this one is true. Now between true false and true there is the operator of or. There is the operator of or. If either condition is true, yani this one is true, so that's why it is solving okay. Got it?
आपको मेरी बात समझ आई? व्हाट आई वांट टू से मैम, तो और ऑपरेटर को देखो देखो, आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज द प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स. इफ यू वांट देन यू कैन सर्च दिस प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, अदरवाइज आई विल सेंड इन योर ग्रुप. ओके, देयर इज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू दैट, दैट हूज प्रायोरिटी इज lesser than the previous operator and whose priority is higher. Okay, so according to that table you can check about this ke whose priority. Dekho board mass ke rule ke according to you can check it very easily ki division pehle hai aapka, fir multiplication hai, uske baad aapka plus hai, sabse less mein aapka minus hai. But for these kind of operators there is also the separate priority. So I'm just sending it. Wait for a minute. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज सॉल्विंग इन टू ऑर्डर्स दिया. देखो बच्चों, इफ आई एम जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट कि एक्स इज ग्रेटर देन टू और एक्स इज लेस देन फाइव, देन इट द आंसर विल बी ओके. द आंसर विल बी ओके बिकॉज दिस वन इज ट्रू, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. सो इफ ईदर कंडीशन इज ट्रू और बोथ कंडीशन ट्रू, देन इट विल सॉल्व दैट, नो इश्यूज. बट इफ यू आर सॉल्विंग द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, एक्स इज लेस देन टू फाइव एंड x is equals to 6, then whose priority will be there? It means x is not equals to 6, x is less than to 5. This is true, this is false. But according to the AND operator, the both conditions should be true. But both conditions are not true, so that means it is false. Okay, it is true, x is greater than 2, yes, it is true. So true or false, true or false, answer will be true. Because according to the OR operator, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है या दोनों ट्रू है तो आंसर विल बी सॉल्व. बट अकॉर्डिंग टू द एंड, अकॉर्डिंग टू एंड, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू द आंसर विल बी सॉल्व, अदरवाइज आंसर विल नॉट बी सॉल्व. बट हियर व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, कि हियर वी आर यूजिंग द थ्री एक्सप्रेशंस एट द सेम टाइम, दिस वन एंड दिस वन, एंड वी आर पुटिंग और एंड एंड देयर. सो विच वन विल बी सॉल्व फर्स्ट? This one will be solved first because AND priority is higher than the OR. Okay, I'm just sending the priority table also to you. Okay, got it? But if we enclose x less than 2 good bracket and OR greater than 5 in a bracket, then if we are putting the bracket, then bracket priority will be first. जैसे आपका मैथ्स में होता है, होता है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट द ब्रैकेट प्रायोरिटी विल बी फर्स्ट, इट विल सॉल्व दैट फर्स्ट, राइट? ओके, हैव यू डन ऑल दिस वन? See, I'm just sending the precedence of operators also in your group. Ye dekho, I got it. You can check from the Google also. Some difference in latest tables are also here, but I'm sending the which I got it now. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, chart mein aapko ek wo bheja tha program. Ma'am, ek baar batayenge aisa kyun hua? Beta, ma'am. Ruko, ek minute ruko.
Have you done that? Which is shared? Yes, ma'am. Okay. Who is this? Who's asking the question? Batao mujhe. Ye dekho beta. I send this pic also. Ye dekho. These are the precedence of operators. Recently I searched that and sending to you. You can search your own tables here. Bahut acche se clearly wo mentioned hoga. So where will be the priority of that? Dekho, here are the priority of these operators also there. So according to this, what will the first priority there? The parenthesis, the brackets, the exponent. Then after that, addition, subtraction. Then after that, multiplication, division, and modulus. After that, plus, and then minus. Then bitwise shift operators. Okay, beta? So the different priority tables are given here. You see, operators. Now you can check that. Ki for first one, the first priority is for the end, then after that, or. Jo abhi humne solve kiya. Is this okay? Keep it with you. Fine. These are the precedence of operators in Python. Precedence of operators in Python, if you will write in the Google search, then okay, it will search that. Fine. Achha batao, kaun sa bacha bol raha tha doubt ke liye? Whose name is here? Siddharth. Siddharth, achha. Yeah, Siddharth, what is, bolo? Ma'am, isme ma'am, ek taraf no output aur ek taraf okay hai. Ek taraf isliye aa raha hai na ki first of all, it is solving that you are putting the or operator here and operator idhar. Idhar aapne kya kiya, sabse pehle and isko likh diya hai. और इधर इसको ये लिख दिया है. अब ये देखो यहाँ पर आपने सॉल्व भी इसको अलग से वो किया है ना. अभी तो प्रेसिडेंस ऑफ अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेटर एक्स इक्वल्स टू सिक्स एंड वाई इज लेस देन टू फाइव. व्हाट विल बी द वैल्यू देयर? व्हाट विल बी द वैल्यू देयर? मैं एक बार रिपीट करना प्लीज. ये देखो एक्स इक्वल्स टू सिक्स. यस मैम. राइट, एक्स इक्वल्स टू सिक्स and x is less than to 5. What will be the value there? X 6 ke equal hai? Yes, ma'am. X equals to 6? No. Nahi, ma'am. Matlab 1 ke equal hai. X is less than to 5? Yes, ma'am. This is okay. X is less than to 5? Yes, it is true. So, according to the AND operator, what will be the result? No output, kyunki 6 nahi karta. Haan, toh, nahi, nahi. सुनो, आई एम जस्ट सॉल्विंग दैट पार्ट ओनली. कि एंड का पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स. नो. एक्स इज लेस देन टू फाइव. यस. सो दिस वन इज फॉल्स, दिस वन इज ट्रू. अकॉर्डिंग टू एंड व्हाट विल बी द आंसर? अगर दोनों ट्रू है तब वो ट्रू देता है. अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा. अकॉर्डिंग टू एंड आंसर विल बी फॉल्स. यहाँ पर फॉल्स हो गया. अब यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन टू टू. एक्स इज ग्रेटर देन टू टू. No, false. No, false. So according to the both false, if we are getting both false, तो answer क्या आएगा? False. False. तो यहाँ पर no output solve कर दिया इसने. लेकिन in your previous part, whenever I am solving the AND, आ इसमें क्या हो रहा है? X equals to 6? No. No. X is greater than 2? X is greater than 2? False. No. No. तो answer is false here, but according to the OR operator. क्योंकि और हम बाद में सॉल्व करेंगे ना, जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे. इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम वी गॉट क्या मिला? हमें फॉल्स मिला. क्या मिला? फॉल्स मिला. बट अकॉर्डिंग टू और दिस वन इज फॉल्स. एक्स इज ग्रेटर देन फाइव. एज लेस देन फाइव. यस, इट इज लेस देन फाइव. एक्स इज लेस देन फाइव. सो इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. सो अकॉर्डिंग टू द और, इफ ईदर कंडीशन इज ट्रू, तो आंसर विल बी ट्रू. So that's why it is giving okay here. Okay, ma'am. वो solve इसी के according कर रहा है. सबसे पहले and को कर रहा है, फिर or को कर रहा है. यहाँ पर आपने values change करवा दी ना उसकी, तो उस वजह से उसका false और true change हो गया.
Is this okay? Oh. Then you can get it. Okay. Who is 2772 attendee here? 2772 attendee here? In the meeting? Okay, got it or not? Is this clear or not? Clear, ma'am. Okay, good. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे मुझे क्या करेंगे फटाफट आर्मस्ट्रांग का एक प्रोग्राम लिखकर दिखाओगे जल्दी से देन टिल देन आई एम जस्ट टेकिंग योर अटेंडेंस ओके अटेंडेंस ले लेती हूँ और आप आर्मस्ट्रांग फटाफट लिखेंगे और मुझे पिक सेंड करेंगे